बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल की जा रही है। मवाना में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही रिपोर्टिंग महिला चौकी का आज शुभारंभ मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार व एसएसपी अजय सहनी ने इंटरनेशनल शूटर चैंपियन शैफाली तोमर से कराया। तो वहीं बेगमपुर स्थित गंगा प्लाजा में जुनेजाज ड्रीम वर्ल्ड पर काफ़ी देर तक हंगामा हुआ। लाठी लेकर वहां पहुंची सपा नेता नेहा गौड़ ने आरोप लगाया कि दुकानदार सोनू ने उनकी सहेली से छेड़छाड़ की है। हंगामे व शोर शराबे के बीच नेहा ने सोनू को लाठी भी लगा दी। दुकानदार सॉरी गलती हो गई सरीखे डायलॉग बोलते हुए अपना बचाव करता रहा। बहरहाल दुकानदार के खिलाफ लालकुर्ती थाने में तहरीर दे दी गई है। दुकानदार सोनू फरार बताया जा रहा है, पुलिस की तलाश जारी है। आइए पहले देखते हैं गंगा प्लाजा स्थित जुनेजाज ड्रीम वर्ल्ड पर हुए हंगामे को। किसको बुलाना बुला? क्या बोला बुला? आप लड़की छेड़ रहा? ये हाँ। इकेले बना साले का इतना का? सॉरी यार, सॉरी क्या? पूरी वीडियो इसकी रिकॉर्डिंग है कि पूरी? आदमी आप रिकॉर्डिंग में दीजिएगा हमें। गोस्सा हो गया तेरा? गोस्सा हो गया है? नेहा मैडम, नेहा सामाजिक काम करती है, कोई ये नहीं है। ठीक है, तू कह रही थी आदत नहीं होगा तो भी थी इस बारे में एएसपी सूरज राज ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। ऐसा बताया गया कि इस वायरल वीडियो में कोई आपसी नोकझोंक का मामला है और इस संबंध में थाना लाल कुर्ती में एक महिला के द्वारा तहरीर दी गई कि इस दुकानदार के द्वारा छिड़खानी की गई है। उनकी तहरीर पर एफआईआर दर्ज करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पिटाई करने वाली महिला की प्रोफाइल क्या है और क्यों मार रही है सर? इसके बारे में उनसे पूछताछ और आगे की जाएगी और उसकी उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि ये सेक्सुअल हरासमेंट सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है। इस खबर में आज इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।